मुझे इस खटारा गाड़ी में बिठाकर वो चुकून से आ गए तुम। तो क्या हुआ, हम सब भी तो यही गाड़ी चलाते हैं, इसमें क्या है? अच्छा, अगर तुम मुझे उस स्त्री की दुकान से निकालते वक्त धोखा ना देते तो क्या तुम अभी इस खटारा पिंकी के शशके मारते और ठाट से घूम रहे होते? हाँ, मजा आया फिर तुम्हें? जितनी होशियार बनती हो उतनी हो नहीं तुम, नीले बालों वाली। और तुम्हारे पास भी इतना दिमाग नहीं है जितना तुम दिखाते हो, वरना पागलों की तरह अपने बाल न बना रहे होते तुम। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। वेलकम सर। खुशामदीद। उस्मान अंकल खुशामदीद। शुक्रिया दफ्ने। वेलकम। बहुत शुक्रिया यालन। बाकी सब ठीक है ना? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो फिर तुम दोनों अपनी शादी पर कब बुला रहे हो मुझे? यालन, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या मतलब इंशाल्लाह? अभी तो घर में पुलाद भाई बड़े हैं ना, पहले उनकी शादी होगी उसके बाद। बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे उस भाई को कोई लड़की पसंद आ जाए। तो फैल भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, अंदर जाइए ना, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। किसी का इंतजार हो रहा है आज शायद। क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है दफ्ने पर रुचि? नहीं मेरी जान, मुझे क्या मसला होगा भला, तुम्हारी लाइफ है, जिसका मर्जी इंतजार करो। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, जानती हो ना? हाँ पता है, मुझे सब पता है। ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे तकिए पे सोया हूं और जिप भी बंद की हो मैंने। हाँ मैं यही कहना चाहती थी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जानती हूँ। असले ये यहाँ पे? लेकिन ये तो एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ तो मुझे यालिन ने बुलाया है। खुश आमदेद आसले। क्या मुसीबत है यार, मुझे डर लग रहा है मुझसे और नहीं होगा। डरो मत आसले, दफ्ने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी के भी तकिए पे सोऊं, किसी की भी जिप बंद करूं, इससे कोई मसला नहीं, ठीक है ना? तुम्हारी जिप तो बंद है ना वैसे? ओ, दिमाग खराब है क्या? अरे शर्माने की बात नहीं है, डैफ्ने को कोई मसला नहीं, पूछ लो इससे। नहीं आलन, नहीं, मुझे कोई भी मसला नहीं। ठीक है फिर, चलो अंदर चले, इवेंट स्टार्ट होने वाला होगा।